उस दिन भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन आज हम अपनी परीक्षा दे रहे हैं। हम भूखे प्यासे हैं, मगर सच बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मैंने रास्ते में ना पानी पिया, फ्रूट्स भी नहीं खाए, तो एक बार भोलेनाथ को पानी चढ़ाएंगे, उसी के बाद हम लोग पानी पिएंगे, है ना, और फल भी एक बार भोलेनाथ को चढ़ाएंगे, उसी के बाद फल भी खाएंगे। तो लगभग घर पे चाय पी थी, हम भूखे प्यासे रास्ते में हैं और खाएंगे भी कुछ नहीं, तब तक नहीं खाएंगे जब तक हम मंदिर जाके भोलेनाथ को पानी नहीं चढ़ाते और फल नहीं चढ़ाते, है ना पतिदेव जी। लेकिन सच बताऊँ, अच्छा लग रहा, बिल्कुल भूख भी नहीं लग रही। हाँ, ये आप रूपी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ रही। और ये देखिए, मैं अपने भोलेनाथ को चढ़ाने ये रंग बिरंगे फूल ले जा रही हूँ। बैंगनी हो गया, पीला हो गया, सफ़ेद हो गया, ये गुलाबी हो गया। तो ये देखिए, तो रास्ते पे बहुत मिलते हैं ये ऐसे फूल, तो मैं इनका नाम पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, हम पहाड़ी लोग इनके लिए कुखड़ी मकड़ी के फूल बोलते हैं। तो ये ले जा रही हूँ मैं मंदिर में भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। आप यहाँ आओ तो आपको फूलों की दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये लोग तो जन्नत की सैर करके आ गए भाई, है ना पतिदेव जी। ये लोग, ये देखो, जन्नत की सैर करके आ गए और हम अभी जा रहे हैं, भोलेनाथ की कृपा से बस पहुँचने वाले हैं। मेरे पीछे है वैली ऑफ द फ्लावर, ये देखिए। तो यहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ये वाले फूल, और ये देखिए, यार कोहरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा। और सच बता रही हूँ, जैसे नीचे आ रही तो ये लोग जो दर्शन करके नीचे आ रहे हैं ना, वो मुझे प्यारी प्यारी स्माइल दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे देख के, हल्की सी स्माइल दे रहे हैं सब लोग, अच्छा लग रहा है वैसे। और बस अभी, बस अब थोड़ा ही टाइम है, लगभग 10-15 मिनट है, मंदिर पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो आप लोगों को एक बात बता रही मैं, कि जब मैं यहाँ पहली बार आई थी शिवरात्रि में, उस दिन भी हमारा व्रत था, तो उस दिन भोलेनाथ ने हमारी कड़ी परीक्षा ली, ये बात सच बता रही हूँ मैं। आज व्रत में झूठ नहीं कहूँगी। शिवरात्रि का दिन था और हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ आने की, तो सडनली प्लानिंग भी बनी और हम लोग आए भी। तो हुआ ये, शिवरात्रि के दिन भी हमने घर पे सिर्फ चाय पी थी और हमने फ्रूट्स नहीं रखे थे मुनसुना से, जहाँ हमारा घर है, मार्केट है, वहाँ से हमने फल नहीं रखे थे और हमने सोचा उखी मठ में रख देते हैं। फिर पता क्या हुआ, ऐसे ही हड़बड़ाहट में उखी मठ में भी टाइम नहीं मिला फल लेने का, तो हमने सोचा चोपता में रखेंगे फिर। और चोपता में सच बता रही हूँ, कहीं भी उतने चोपता, उतना बड़ा मार्केट, कहीं भी हमें केले और फ्रूट, सेब फ्रूट्स नहीं मिले, तो फिर क्या करते। तो हम लोग भूखे आए यहाँ मंदिर में, रास्ते में सोचा रास्ते में दुकानें होंगी वहाँ मिलेंगे, लेकिन यहाँ कहीं दुकानें खुली नहीं थी उस टाइम, यात्रा का टाइम नहीं था, सर्दियों का टाइम बता रही आपको, यात्रा का टाइम नहीं था। तो और हमें रास्ते में भी फ्रूट कहीं नहीं मिले, तो उस दिन भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन आज हम अपनी परीक्षा दे रहे हैं। हम भूखे प्यासे हैं, मंदिर में जब चल चढ़ाएंगे, फ्रूट चढ़ाएंगे, तभी खाएंगे, केले कूले हो गया और पानी तभी पिएंगे। तो भोलेनाथ हमें हमारी परीक्षा में सफल करे और यात्रा को सफल करे हमारी, बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है। तो इस बार हम देंगे अपनी परीक्षा। तो सच बता रही हूँ, भूखे पेट भूखे प्यासे चक्कर भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जाएंगे हम भोलेनाथ के दरबार पे, वो भी भूखे प्यासे, है ना पतिदेव जी, आप क्या बोलते हो। चलता रहना है बस। और ये देखो, हम लोग पहुँच गए तुंगनाथ मंदिर,
ये तो यहाँ से मेन गेट है, यहाँ से मंदिर में प्रवेश करेंगे। और ये हम थाल लेकर जा रहे हैं, ये हस्बैंड जी ने पका ली। चलो, और ये है प्रवेश द्वार तुंगनाथ मंदिर का, और ये जा रहे हैं यात्री लोग। ये देखिए, ये लगी है दुकानें, ये थाल लेकर जा रहे हैं हम भी।